दोस्तों, जैसे आपको पता है, 13 मार्च से ओवर प्रोटोकॉल में नई अपडेट आ चुकी है। जो हमारा पुराना वाला माइनिंग था वो एंड हो चुका है और अब नया माइनिंग स्टार्ट हो चुका है। सो अब इनका टेस्ट नेट का सीज़न 2 भी लाइव हो चुका है। तो यहाँ से भी हमको टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और जो पॉइंट ग्रैब करेंगे उस पॉइंट से हमको एक्स्ट्रा टोकन भी मिलेंगे। तो पहले हमने जो पॉइंट ग्रैब किए उस पॉइंट के टोकन हमको कन्वर्ट होकर मिलेंगे। तो जो टोटल टोकन है उसके 10% होंगे, उनमें से सभी को मिलेंगे जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट कर लिया और माइनिंग कर लिया। दोस्तों, अब ये टेस्ट नेट है तो इसका भी एक अलग से एलोकेशन होगा। तो टेस्ट नेट में जो भी दोस्त पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी अलग से टोकन मिलेंगे। जो पुराने वाले मिलेंगे वो अलग रहे और ये नए वाले मिलेंगे वो भी अलग से रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कैसे ग्रैब करना है इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट से और वहाँ पर नई अपडेट और नई माइनिंग की अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले मिलती रहेगी। तो बहुत सारे दोस्तों ने ओवर प्रोटोकॉल की अपडेट देख ली होगी और एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप भी यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो और नए दोस्तों तो प्ले स्टोर से इसके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऐसा पेज देखने को मिलेगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से अकाउंट बनाना होगा, लेकिन एक बात को ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो भी मेल आईडी डालो वो पुराना वाला ही मेल आईडी डालना, यानी जिस मेल आईडी से हमने माइनिंग के एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया था। दोस्तों, आपके मेल आईडी पर एक लिंक चला गया होगा तो वहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ऐसा मेल होगा तो एक वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपका मेल आईडी होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप फिर से एप्लीकेशन में आना तो ऐसा साइन देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों, अब नेक्स्ट इंटरफेस पर आपको कंफर्मेशन की डालनी होगी, यानी कि आपको यहाँ से पासवर्ड डालना होगा। तो अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लेना, 2 बार डालना और फिर यहाँ पर टिक करके आई रिमेम्बर माई रिकवरी की है उस पर क्लिक कर लेना। दोस्तों, ये सिर्फ पासवर्ड नहीं है बल्कि आपके अकाउंट की रिकवरी की रहेगी, तो इसको अच्छी जगह पर संभल कर सेव कर लेना। दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको आपका वॉलेट मिल चुका होगा। तो आपको पता है ओवर नेटवर्क है, इनकी ओन ब्लॉकचेन है, तो हमको इनकी ब्लॉकचेन का ही ओन वॉलेट देखने को मिल रहा है। अब एक मज़ेदार बात है, यू हैव गॉट अ गिफ्ट। दोस्तों, सभी को इन्होंने 500 टोकन का गिफ्ट यहाँ पर रखा है, तो आप यहाँ से क्लेम कर लेना। और डेली बोनस यानी कि डेली की माइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। डेली की माइनिंग में भी 10 टोकन रोजाना मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ओवर टोकन लिखा है, तो ये टेस्टिंग के टोकन है, मतलब हमको यहाँ पर जो मिल रहा है वो डायरेक्ट टोकन ही मिल रहे हैं। तो होप के यही टोकन मेन नेटवर्क के टोकन में भी कन्वर्ट होंगे और इसी को ही हम ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों, क्लेम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना तो ऐसा पेज देखने को मिलेगा, आपको तुरंत ही 500 टोकन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेली माइनिंग है उसको भी क्लेम कर लेना है, तो वो सारा बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ओवर टोकन में ही बैलेंस आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका टेस्ट नेट चल रहा है तो ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी कंपलसरी है। तो आपको मिनिमम एक बार यहाँ से आपके टोकन को सेंड करना होगा, तो उसके लिए ये सेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। और फिर मैंने आपको वॉलेट दे दिया है, वो टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पर डालना। और नेक्स्ट पेज पर आपको अमाउंट डाल लेना होगा और फिर सेंड कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जितना चाहो 1 टोकन 2 टोकन उतना ही टोकन का ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों, अब यहाँ पर एक मेन और बड़ी अपडेट है, इनका स्टैकिंग भी लाइव हो चुका है। स्टैकिंग में भी 2 फीचर दिए हैं, एक है पाम स्टैकिंग और दूसरा है होम स्टैकिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझ लो। पाम स्टैकिंग में बिल्कुल ही नॉर्मल स्टैकिंग करना है, जैसे हम किसी एक्सचेंज में स्टैकिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए स्टैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर आपके पास जितने टोकन अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आप यहाँ पर टोकन को डाल सकते हो। तो मान लो कि मैं यहाँ पर 100 टोकन डाल रहा हूँ, तो मैंने 100 डाल लिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया, फिर यहाँ से गॉट इट पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से स्लाइड करना होगा, सो आपका स्टैकिंग यहाँ पर लग जाएगा। तो आपको 1-2 मिनट का वेट कर लेना है और यहाँ पर देख लो मेरे 100 टोकन स्टैक हो चुके हैं और मुझे रिवार्ड मिलना भी स्टार्ट हो चुका है, और ये रिवार्ड आप यहाँ से क्लेम भी कर सकते हो। अब नीचे आओगी तो ये होम स्टैक वाला है, तो इसको वही दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो। अब यहाँ पर एक शर्त है कि आपके पास मिनिमम 256 ओवर टोकन होने चाहिए।
उसके बाद ही आप इसके नोड को रन कर पाओगे और यहाँ पर स्टैकिंग कर पाओगे। अब दूसरा एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको 34% का स्टैकिंग का बोनस मिलता है, जबकि होम स्टैकिंग में लगाओगे तो आपको 343.19% का APR मिलता है। तो ये नोड रन करना भी आसान है, उसके लिए स्टैक एड ओवर नोड है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इनकी वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला विंडोज 64-bit का है और दूसरा मैक OS का है। तो जो भी हो, आप यहाँ से क्लिक करके 150 MB का इनका पूरा सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ सिंपल सेटिंग कंप्लीट करने होगी, उसके बाद आपका नोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन दोस्तों के पास विंडोज़ है या फिर मैक OS है, वो इस नोड को रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो ऑप्शन है, आप चाहो तो दो में से किसी में भी स्टैकिंग कर सकते हो, या फिर दोनों में चाहो तो दोनों में भी स्टैकिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ओवर नेटवर्क में नया माइनिंग का सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, यानी टेस्ट नेट सीजन 2 भी लाइव हो चुका है, वहाँ पर माइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और स्टैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन दोस्तों ने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, आप तुरंत ही एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हो और यहाँ से स्टैकिंग और माइनिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही इनका टेस्ट नेट एंड होगा, उसका मेन नेट भी लॉन्च हो जाएगा और हमको इसके जो टोकन है वो भी मिल जाएंगी और ट्रेडिंग वगैरह भी कर पाएंगी। तो ऐसे ही मजेदार अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और नई नई अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चले मिलते हैं ऐसे एक और नई अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।